केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं भंजली आर्यवाल, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के तत्वाधान में सचिवालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर मीडिया बंधुओं से संघ मुखातिब हुए थे एवं संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक कुमार यादव ने कहा कि सरकार के कल्याणकारी नीति के तहत शिक्षकों के लिए सेवा शर्त गठन करने का कार्य किया गया, वह काबिले तारीफ है। ठीक उसी प्रकार सरकार हमारी प्रमुख मांग सेवा शर्त नियमावली का गठन, सेवा वापसी पर शीघ्र रोक लगाने संबंधी निर्णय ले। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव बिहार एवं प्रधान सचिव आईटी विभाग पटना को ज्ञापन सौंपा गया, किंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार आज के कैबिनेट की बैठक में भी हमारे मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो सकी है। जैसे कि मीडिया के माध्यम से संघ के द्वारा यह कहा गया था कि यदि सरकार आज के निर्धारित कैबिनेट बैठक में हमारे लिए कुछ पहल नहीं करती है तो हम सभी ऑपरेटर साथी प्रथम चरण में 31 अगस्त 2020 तक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। उसी के क्रम में आप सभी साथियों से अनुरोध है कि अपनी मांगों को सरकार तक पुरजोर तरीके से पहुंचाने के क्रम में संघ का आह्वान है कि दिनांक 26 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक हम लोग काली पट्टी लगाकर अपने अपने कार्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे। संघ ने अपने सभी जिलाध्यक्ष एवं विभाग के सक्रिय सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे सभी अपने स्तर से भी काली पट्टी बांधकर कार्य करने हेतु अपने सभी साथियों को सूचित करेंगे। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट।